लखनऊ विश्वविद्यालय ने 6 अक्टूबर को एक नोटिस जारी करके बता दिया है कि आपके काउंसलिंग का रिजल्ट, मतलब आपकी सीट अलॉट हुई या नहीं हुई या कब तक आ जाएगा। तो एक पूरी पूरी डेट शेड्यूल इन्होंने जारी कर दी है। 6 अक्टूबर को ही इन्होंने जारी किया है और 6 अक्टूबर को ही 3 रिजल्ट्स, शास्त्री BCA और BJMC, इसके अलावा BSc एग्रीकल्चर, 4 रिजल्ट इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दे दिए हैं। 7 तारीख को BVA, BFA, BBA, BLED, BWOC इन रिन्यूएबल एनर्जी, BCOM, BSc बायो, BSc मैथ्स, LLB 5 ईयर, BA ऑनर्स, BA, तो BA ऑनर्स BA 8 को आएगा और बाकी रिजल्ट 7 को, यानी आज ही आ जाएंगे। आप इन्हें चेक कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए आप लोगों का सवाल था कि क्या कट ऑफ जारी की जाएगी, तो मैंने पहले ही किसी को एक कमेंट में रिप्लाई करा था कि नहीं, कट ऑफ नहीं जारी की जाएगी। जहां से आपने काउंसलिंग के लिए लॉगिन किया हुआ है ना, तो वही काउंसलिंग पे अपना लॉगिन खोलेंगे तो वहीं लॉगिन में आपको साफ साफ आ जाएगा लिख के कि आपको कौन सी सीट अलॉट हो रही है या फिर कौन सी सीट आपको अलॉट नहीं हो पा रही है। तो ये आपको वहीं पे जहां से आप जो कॉलेज चूज कर रहे हैं, जहां पे लॉक कर रहे हैं, वहीं पे आपको एक सेक्शन मिलेगा आपके रिजल्ट का कि मतलब आपको ये सीट अलॉट हुई है, कैंपस में हुई है, कौन से सब्जेक्ट अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या कौन से सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। वहीं से आज ही इन सारे कोर्सेज की और 3-4 कोर्सेज की तो कल ही की ये अपडेट हो चुकी है। द फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग प्रोसेस विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल गिवन बिलो। तो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। Accordingly, the allotment result of BCA, BJMC, BSc Agriculture and Shastri programs of the university campus and colleges is now available on the candidate login. तो ये कल की बात है, तो कल ये सब login करने पे available थे result। अब बाकी courses के जो 7 तारीख को निकलने हैं, आज शाम तक login पे available हो जाएंगे, ठीक है। All candidates who have been allotted a seat will have to deposit seat confirmation fees through Unlock portal. Details of amount of fees to be deposited are given on the counseling guidelines. The seat confirmation fees can be deposited from 8 to 12 October 2020 through online modes only. Candidate who have not been allotted their first choice can opt for upgradation. The result of upgradation and second allotment will be declared on 14th October. Details of candidate who are allotted seats in colleges and have deposited the seat confirmation fees will be available on the college login on UDRC portal of University of Lucknow. All candidates are advised to see the details to further process in which available on Unlock या UNLOC, the University of Lucknow counseling portal. तो इन्होंने क्या कहा है, आप बात समझिए कि आपको एक डेट इन्होंने दी है, 8 से 12 के बीच में आपको फीस अपनी पेमेंट करनी है। इसके अलावा 14 अक्टूबर, ये पहली मैंने आपको शेड्यूल बता दी कि इस दिन आप अपना अलॉट करवा सकते हैं। फिर जो सेकेंड अलॉटमेंट है वो 14 तारीख को होगा, A to Z, उसको कह सकते हैं सेकेंड कट ऑफ मान लीजिए, आप जो भी उसको कहिए, 14 तारीख को अलॉट होगा। और उसके पहले अगर सीट फिल हो जाती है तब तो कोई बात ही नहीं है, आपको फिर फीस भी पेमेंट करनी है 8 से 12 के बीच में। फीस केवल और केवल ऑनलाइन मोड से सबमिट होगी, मतलब डेबिट कार्ड वगैरह एक्सेप्टेबल रहेगा उसके लिए, जैसे आपने 1200 रुपये जमा किए थे सेम वही प्रोसेस रहेगी। तो बस इसके साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे कोई नई ताज़ी खबर आएगी हम प्रयास करेंगे आप तक पहुँचाया जाए। शेड्यूल नोट करके रख लीजिए, अपना रिजल्ट चेक करते रहिएगा अपना लॉगिन करने के बाद। बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हर खबर के लिए धन्यवाद।